Hello everyone, a very warm welcome to all of you. In our today's class, we are going to do the next chapter of your NCERT book, that is Simple Equations. ठीक है, हमारी पिछली क्लास में हमने डाटा हैंडलिंग किया था. आई होप दैट्स क्लियर टू एवरी वन. एंड दिस इज ऑल्सो अ वेरी सिंपल चैप्टर. ठीक है, हम एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द वेरी कॉन्सेप्चुअल बेसिक्स. राइट, ओके. ए इज योर स्कूल एग्जाम्स विद अन अकेडमी. दिस इज अबाउट द अन अकेडमी प्लस एंड आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन. यू कैन गेट फ्लैट 10% ऑफ इफ यू यूज द कोड SPGSS10. तो इस सब्सक्रिप्शन के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं और बहुत कम कॉस्ट है. आई टेल यू मोर अबाउट इट टूवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो. फॉर नाउ जस्ट रिमेंबर द कोड SPGSS10. Moving forward, welcome to the class everyone. I am Gurleen Singh, your maths educator with 2+ years of teaching experience through online and offline modes both. So let's begin with today's topic. First of all, let's discover that what are expressions. Expressions kya hote hain? An expression is made up of constants, variables and coefficients. Okay, now we are going to study about these terms one by one. A constant kya hote hain? The numbers getting added or subtracted in the expression. राइट, तो इसके अंदर मेरा कॉन्स्टेंट क्या होगा? व्हाट इज द कॉन्स्टेंट टर्म? दिस इज माय कॉन्स्टेंट टर्म, दैट इज 21. ठीक है, ऐड हो रही है या सब्ट्रैक्ट हो रही है डजंट मैटर. ठीक है, बेसिकली फॉर नाउ वी आर गोइंग टू कंसिडर ऑल द नंबर्स एज कॉन्स्टेंट, कि जो ये जो कॉन्स्टेंट है इसकी वैल्यू जो है वो चेंज नहीं होती. राइट, ओके. एनी वे दिस इज एक्चुअली -21. ठीक है, नेगेटिव साइन नंबर के साथ ही जाता है. एंड कॉन्स्टेंट मीन्स दैट अ न्यूमेरिकल वैल्यू इज नॉट गोइंग टू चेंज. ऑन द अदर हैंड, अगर हम वेरिएबल की बात करते हैं, इट इज एनी सिंबल लाइक एन अल्फाबेट दैट रिप्रेजेंट्स द अननोन न्यूमेरिकल वैल्यू. जैसे इस केस में वेरिएबल्स क्या हो जाएंगे? एक्स एंड वाई, क्योंकि अभी तक मुझे नहीं पता है कि एक्स की वैल्यू क्या होगी, वाई की वैल्यू क्या होगी. एक्स कैन टेक एनी वैल्यू. ठीक है, मैं एक्स की वैल्यू 2 भी ले सकती हूँ, 3 ले सकती हूँ, -2 ले सकती हूँ, एनी वैल्यू. एंड डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यूज ऑफ अ वेरिएबल, जो हमारा एक्सप्रेशन की वैल्यू है वो चेंज होती रहेगी. ठीक है, आप एक्स की जगह 2 डालोगे एंड उसको 41 से मल्टीप्लाई करोगे, इट विल बी अ डिफरेंट वैल्यू. 3 डाल के मल्टीप्लाई करोगे, इट विल बी अ डिफरेंट वैल्यू. लास्ट में वी हैव अ कोफिशियंट. वो क्या होता है? द नंबर मल्टीप्लाइड बाय द वेरिएबल. तो यहाँ पे इस केस में एक्स का कोफिशियंट क्या है? 41. ठीक है, एंड वाई का कोफिशियंट क्या है? 50. राइट, सो कोफिशियंट्स बेसिकली क्या होते हैं? दे आर गेटिंग मल्टीप्लाई विद द गिवन वेरिएबल. एंड कॉन्स्टेंट क्या होते हैं? जो अलग से मेरे पास न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, दैट इज माई कॉन्स्टेंट. आई होप ऑल दीज थ्री टर्म्स आर क्लियर टू यू. कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल्स एंड कोफिशियंट्स. राइट, लेट्स मूव फॉरवर्ड. नाउ वॉट आर इक्वेशंस? अभी हमने एक्सप्रेशंस के बारे में पढ़ा, अब हम देखते हैं इक्वेशंस क्या होती है एंड वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन एन एक्सप्रेशन एंड एन इक्वेशन. ओके, व्हेन टू एक्सप्रेशंस आर इक्वल टू ईच अदर एंड इक्वेशन इज फॉर्म्ड. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल 2x प्लस 14 इज इक्वल टू 6x प्लस 8, लाइक दिस. ठीक है, समथिंग लाइक दिस. नाउ बीच में जैसे ही इक्वल टू का साइन आ जाता है, मतलब ये जो दोनों एक्सप्रेशन है इक्वल टू ईच अदर है, मतलब इनकी जो न्यूमेरिकल वैल्यूज होंगी वो सेम होंगी, तभी इक्वल टू ईच अदर आ रहा है. राइट, सो दैट दिस इज एन इक्वेशन दैट इज मेड अप ऑफ टू एक्सप्रेशंस एंड दीज टू एक्सप्रेशंस आर इक्वल टू ईच अदर. राइट, ओके. अगर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 3x इज इक्वल टू 15, सो दिस इज ऑल्सो एन इक्वेशन. क्यों? क्योंकि बीच में मेरे पास इक्वल टू का साइन है. जैसे इक्वालिटी आती है, वॉट हैपन्स? दीज बिकम्स द एक्सप्रेशंस बिकम इक्वेशंस. एंड दिस चैप्टर इज बेस्ड ऑन हाउ वी आर गोइंग टू फाइंड द अननोन वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, कि मैं x की वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर सकती हूँ. दैट वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस चैप्टर वेरी सून. ओके, चलो नेक्स्ट वी हैव फॉर्मिंग एन इक्वेशन. अब आपको कभी कभी एग्जाम में वन मार्कर के लिए ऐसे आ सकते हैं कि स्टेटमेंट्स गिवन है एंड आपको उसमें से क्या बनाना है, एक इक्वेशन फॉर्म करनी है. फॉर एग्जाम्पल द सम ऑफ नंबर्स 26 एंड 3y इज 34. तो इसका क्या मतलब है? सम का मतलब होता है एडिशन. दो तीन टर्म्स याद रखना है. सम मीन्स एडिशन, प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लीकेशन, ऑफ का मतलब भी मल्टीप्लीकेशन होता है. ओके, सम ऑफ नंबर्स 26 एंड 3y, सो मतलब 26 प्लस 35 इज इक्वल टू 34. राइट, नेक्स्ट वी हैव 2/7 ऑफ अ नंबर जेड माइनस 15 गिव्स 20. 2/7 क्या मतलब हुआ? 2/7 ऑफ अ नंबर. ऑफ अ नंबर मीन्स मल्टीप्लीकेशन, मतलब ऑफ जेड. तो मैं इंटू जेड कर सकती हूँ. ठीक है, माइनस इसमें से क्या माइनस करना है? 15. इस पूरे में से 15 माइनस करूंगी तो आंसर आ रहा है 20. राइट, सो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो सीधा 2/7 जेड माइनस 15 इज इक्वल टू 20. सो जस्ट रिमेंबर दैट 2/7 ऑफ मीन्स ऑफ अ नंबर मीन्स मल्टीप्लीकेशन. ओके,
Next we have if you subtract 8 from 13 times x. From 13 times x है मतलब from के बाद जो value आती है वो पहले आती है हमेशा, ठीक है? 13x minus 8, तो what I will get 55. So this is my third equation. So examination में ऐसे हो सकते हैं कि form करो equation को and then उसको solve करो. So solving वाला part अभी हम सीखेंगे, right? So this is how, just read the sentence step by step and write the equation. Next. Okay, what is happening? Okay, write the equation in statement form. अब क्या है? अब इसका उल्टा होगा, ठीक है? First of all, we had this statement, right? And उससे मुझे equation बनानी थी. मेरे पास equation given है. I am going to write it in the form of a sentence, ठीक है? Okay. आप directly लिख सकते हो. जैसे for example, 3 times y divided by 121 gives me 145. ठीक है, so I am just writing in my own words. आप लोग मुझे comment section में बता सकते हो कि इसको और किस तरह से हम sentence form में लिख सकते हैं, ठीक है? 3 times y divided by 121 is equal to या फिर gives 145, ठीक है? Just write it in the sentence form, ठीक है? 121 divided by 3y मत लिख देना, वो बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि 3y को हम डिवाइड कर रहे हैं 121 से, ठीक है? ये कैसे लिखेंगे? one third of x plus 9 gives me, या फिर me नहीं, okay, gives 90, या फिर is equal to 90, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो 9, और you can also write 9 added to one third of x gives is equal to 90, ठीक है? So anything in your own words, just जो equation है कि ऐसा होना चाहिए कि ये वाला sentence पढ़ने के बाद मैं ये equation बना पाऊँ, ठीक है? यही equation form होनी चाहिए ये sentence पढ़ने के बाद, okay? चलो, let's move forward. Next we have to find out the solutions of the given equation, ठीक है? Okay, थोड़ी बड़ी हो गई हूँ ना मैं. Okay, anyway. Check whether the given value in the bracket is a solution to the given equation or not. अब solution का क्या मतलब होता है? कि ये जो variable है, मेरा variable n है. कि n में ऐसी क्या value डालूं कि ये जो equality है, ये true हो जाए. मतलब ये जो answer है, वो equal to 43 आ जाए. So let's see, 9 into n है, तो n की जगह 2 डाला, ठीक है? Plus 5, this is what? This is my left hand side. ठीक है, इसको solve करते हैं, 19 into 2 is 38, ठीक है? Plus 5. So this is going to give me how much? 43. So which is equal to my right hand side. So iska matlab ki n is equal to 2 is a solution. It is the solution of the equation. Kyunki n ki value 2 put karne ke baad hi mera answer equal to 43 aa raha hai. Ab agar aap n ki jagah 3 put karte, then obviously my answer would not be equal to right hand side. Then I would write that no, n is equal to 2 is not a solution to the given equation. Okay, so किस तरह हम check करते हैं? By putting the, replacing the value, replacing this variable with the numerical value. Okay, चलो, let's solve one more question. Check whether the value given in the bracket is a solution to the given equation or not. 16p plus 31 is equal to 3. और p की value कितनी given है? Minus 2. So 16 into minus 2 plus 31. अभी मैं क्या solve कर रही हूँ? मैं left hand side solve कर रही हूँ. So 16 2 is 32 होता है, but answer minus 32 आएगा. और ये कितना है? Plus 31. So plus minus है तो minus होगा, but sign वो आएगा जो बड़े number के साथ है. So this becomes minus 1. And this is not equal to 3. It is, that means that my left hand side is not equal to my right hand side. So iska kya matlab hai? That p is equal to minus 2 is not a solution. But ab question hai ki solution hai kya? P ki kya value put karun? P ki kya value put karun? Ki mera answer jo hai right hand side wala 3 a jaye. To ye kaise find out karna hai? Now we are going to learn that after this. Okay. थोड़ा साइड हो जाते हैं, ओके. इफ इसमें भी क्या करना है? यू हैव टू फॉर्म इक्वेशंस फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट्स. इफ यू टेक अवे 21 फ्रॉम 6 टाइम्स y, यू गेट 87, ओके. चलो, इफ यू टेक अवे 21 फ्रॉम 6 फ्रॉम है, तो 6 टाइम्स y पहले आएगा, दैट इज 6y.
में से मैंने टेक अवे मतलब 21 माइनस किया, तो मेरा आंसर कितना आना चाहिए? 87. इफ यू ऐड 14 टू 1/3 ऑफ पी, 1/3 ऑफ पी मतलब 1/3 ऑफ का क्या मतलब होता है? मल्टीप्लीकेशन. तो मैं यहाँ पे पी लिख सकती हूँ, मतलब इसका मतलब ये है दैट 1/3 इज गेटिंग मल्टीप्लाइड बाई पी. 1/3 ऑफ पी में मैंने 14 ऐड किया, तो मेरा आंसर आना चाहिए 36. यू कैन ऑल्सो राइट इट बाई पी अपॉन 3 प्लस 14 इज इक्वल टू 36. ठीक है, इस तरह से. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू लर्न कि मेरे पास अगर n की वैल्यू गिवन नहीं है, हाउ विल आई फाइंड आउट कि n की क्या वैल्यू होनी चाहिए दैट माई लेफ्ट हैंड साइड बिकम्स इक्वल टू माई राइट हैंड साइड. सो इसके लिए वी यूज द ट्रांसपोज मेथड. ठीक है, ट्रांसपोज मेथड यूज करेंगे इसके अंदर हम. ओके, सो अब देखो ट्रांसपोज मेथड आया कहाँ से. फर्स्ट लेट्स सी दैट. मैं चाहती हूँ मुझे n की वैल्यू पता लग जाए, सो आई एम गोइंग टू ट्राई कि यहाँ पे सिर्फ n रहे और बाकी सारी चीज़ों को आई एम गोइंग टू शिफ्ट टूवर्ड्स द राइट हैंड साइड. ठीक है, तो मैं चाहती हूँ माइनस टू यहाँ से हट जाए. माइनस टू कैसे हटेगा? जब मैं इसके अंदर प्लस टू ऐड कर दूंगी. ठीक है, सो ये माइनस टू एंड प्लस टू तो कैंसिल आउट हो गया, बट एट ऑल टाइम्स ये जो इक्वेशन है, ये जो इक्वालिटी है, ये ट्रू रहनी चाहिए. ठीक है, मतलब इक्वल होना चाहिए. तो अगर मैंने यहाँ पे प्लस टू किया था, तो मुझे 46 में भी प्लस टू करना पड़ेगा. मतलब मैंने दोनों साइड प्लस टू किया है, राइट? तभी ये जो इक्वालिटी है ये ट्रू रहेगी, राइट? जैसे फॉर एग्जाम्पल देयर टू नंबर्स, जैसे ओके वी हैव 7 + 3 इज इक्वल टू 10. ठीक है, इसका मतलब यही होता है. अब अगर मुझे यहाँ से 3 को हटाना है, तो मैं क्या करूँगी? 7 + 3 था, तो यहाँ माइनस 3 किया. लेकिन अगर मैं इसको इक्वल टू लिख रही हूँ ना, तो मुझे 10 में से भी माइनस 3 करना पड़ेगा, तभी ये 7 = 7 आएगा. नहीं तो ये क्या बन जाता? 7 = 10, विच इज नॉट ट्रू, राइट? सो हैव टू परफॉर्म द इक्वेशन ऑन ऑपरेशन ऑन बोथ द साइड्स. तो अब ये कितना बचा? 4n = 48. तो n की वैल्यू कितनी हुई? अब मैं चाहती हूँ यहाँ n रहे, तो वॉट विल आई डू? जस्ट अ सेकेंड. ठीक है, सो वॉट विल आई डू? 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैं 4 को चाहती हूँ 4 यहाँ ना रहे, तो आई विल डिवाइड इट बाई 4. 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, तो मुझे इधर भी 4 से डिवाइड करना पड़ेगा. सो 4 1s 4 एंड 4 2s 8. ठीक है, तो n की वैल्यू कितनी आ रही है? इट इज इक्वल टू 12. तो बेसिकली इस तरह से कि मुझे ऑपरेशन दोनों साइड लगाना पड़ता है, मैंने एक शॉर्टकट मेथड जो है वो डिड्यूस कर लिया, दैट इज माई ट्रांसपोज मेथड. अब इसमें क्या होगा, आपको दोनों तरफ ऑपरेशन नहीं करना, बस इसको, इस नंबर को राइट हैंड साइड पे लेके जाके साइन चेंज कर देना है. यू विल हैव टू चेंज द साइन. नाउ फॉर एग्जाम्पल 4n इज इक्वल टू 46 + 2, क्योंकि यहाँ पे तो हम प्लस टू कर ही रहे थे, है ना, और यहाँ से 2 गायब हो ही रहा था, तो हमने सीधा उधर I took it to the other side of the equality and I changed the sign. ठीक है, तो ये हो गया 4n is equal to 48. अब यहाँ पे जो 4 है, it is getting multiplied by n, तो उधर जाके divide कर देंगे. So n की value again मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, n is equal to 48 divided by 4, which is okay, 48 divided by 4, which is equal to 12. ठीक है, तो n की वैल्यू कितनी आएगी? 12. लेट्स सॉल्व सम मोर क्वेश्चंस ताकि आपको ट्रांसपोज मेथड जो है वो अच्छे से क्लियर हो जाए. ओके ओके, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन फॉर द अननोन वैल्यू ऑफ m. ठीक है, अब देखो मेरे को इधर सिर्फ m चाहिए, तो 7 को मैं इधर ले जाऊंगी और साइन चेंज कर दूंगी. सो 6m इज इक्वल टू 82 माइनस 7. ठीक है, सो दिस विल बी इक्वल टू 72 73 75, राइट? ओके, फिर उसके बाद क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में? ये हो गया आपका 75. तो m की वैल्यू कितनी होगी? m इज अभी यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई हो रहा है m से, राइट हैंड साइड पे जाके क्या हो जाएगा? 75 डिवाइडेड बाय 6. सो योर आंसर इज m की वैल्यू है 75 डिवाइडेड बाय 6. अब देखो, अब यहाँ पे अगर मैं इक्वेशन के अंदर m की जगह 75 डिवाइडेड बाय 6 लिख देती हूँ, ठीक है, तो क्या Will this give 82 as an answer? 6 से 6 जो है वो cancel out हो गया. अब है मेरे पास 75 plus 7 which is going to give me 82. तो yes, मतलब this is the right solution. M की value 75 upon 6 ही आनी चाहिए. Only then my left hand side will be equal to my right hand side. Okay? चलो अब कुछ practice करते हैं questions. 5t plus 28. यहाँ plus 28 है, तो इधर जाके minus हो जाएगा. 10 माइनस 28.
ठीक है. सो 5t इज इक्वल टू, अब ये प्लस माइनस है तो माइनस होगा, सो दिस इज माइनस 18, राइट. एंड साइन वही जो बड़े नंबर के साथ है. ओके, सो टी की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 18 डिवाइडेड बाई 5, राइट. तो अब जब यहाँ पे आप यू नो इफ यू वॉन्ट टू चेक योर आंसर, तो आप इस इक्वेशन में टी की वैल्यू डाल के देख सकते हो कि आंसर 10 आ रहा है कि नहीं है. ओके, देख लेते हैं. टी की है माइनस 18 बाय 5 प्लस 28, ठीक है. ये 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, दिस इज माइनस 18 प्लस 28, तो येस मेरा आंसर 10 ही आ रहा है. दैट मीन्स कि मैंने टी की वैल्यू बिल्कुल सही कैलकुलेट की है. ओके चलो, वेयर आर वी, राइट. 2y प्लस 5/2 इज इक्वल टू 37/2. अब यहाँ ऐड हो रहा है, इधर जाके माइनस हो जाएगा. 2y इज इक्वल टू 37/2, ठीक है. अब ये देखो, ये अलग से है, दिस इज अलग से, ये मेरा एक कॉन्स्टेंट नंबर है. दिस इज अ कॉन्स्टेंट, दिस इज नॉट गेटिंग मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग. तो ये नहीं कि इधर ले जाके तुम इसको डिवाइड कर दो या रेसिप्रोकल कर दो, नो. इधर जाके ये माइनस ही होगा, बिकॉज दिस इज वन नंबर, दिस इज वन कॉन्स्टेंट, राइट. सो 2y की वैल्यू कितनी हो गई, 37 - 5 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है. तो आंसर कितना आएगा, 32/2, राइट. यही आ रहा है आंसर. ओके, अब इसको मैं फर्दर कैंसिल आउट कर सकती हूँ. 2 1 2 एंड 2 6 12, तो 2y की वैल्यू कितनी आ रही है, 16. नाउ 2 इज गेटिंग मल्टीप्लाइड बाय y, तो इधर जाके डिवाइड हो जाएगा. y इज इक्वल टू 16/2 एंड योर आंसर इज इक्वल टू 8. तो अगर y की जगह 8 पुट करोगे, तभी लेफ्ट हैंड साइड विल बी इक्वल टू राइट हैंड साइड. सो नाउ दिस यू हैव टू चेक कि हमारा आंसर ठीक आया कि नहीं. पुट इट इन द इक्वेशन एंड चेक द इक्वालिटी ऑफ बोथ द साइड्स, राइट. क्लियर टू एवरीवन? ओके, नेक्स्ट 7m प्लस 19/2. सो 7m यहाँ पे भी एडिशन हो रही है, ये एक कॉन्स्टेंट है, तो इधर जाके माइनस हो जाएगा. 13 - 19/2. नाउ यू हैव टू टेक द एलसीएम, ठीक है. इस साइड पे एलसीएम लेना पड़ेगा. सो दिस इज 13 - 26 - 19, राइट. सो योर आंसर इज 7/2. तो 7m इज इक्वल टू 7/2, तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी. अब 7 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, तो इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, मतलब डिनोमिनेटर में आ जाएगा. सो यू कैन इवन राइट 1/7, और यू कैन राइट 7/2 × 7, ठीक है, क्योंकि यहाँ 7 न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में आएगा, ठीक है. सो दिस गेट्स कैंसल्ड आउट, तो m की वैल्यू कितनी आएगी, 1/2, ठीक है. यहाँ पे आप पुट करके देख सकते हो, 7 m की जगह 1/2 लिखो, प्लस 19/2 करो, ठीक है. सो 7 1 7, 7 + 19/2, सो दिस इज 26/2. तो आपका आंसर आ रहा है 13. हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड ओनली जब m की वैल्यू होगी 1/2, ठीक है. m की यूनिक वैल्यू होगी, अगर m की वैल्यू 1/2 है, तभी मेरा आंसर 13 आएगा. सो देयरफॉर वी कॉल इट द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, राइट. ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड. वी हैव 6z प्लस 10 इज इक्वल टू -2. सो अगेन दिस इज इक्वल टू -2. अब यहाँ पे प्लस 10 था, तो उधर जाके माइनस हो जाएगा, -10. सो 6z इज इक्वल टू -12, तो z की वैल्यू कितनी हो गई, -12 डिवाइडेड बाय 6. सो 6 2 12 होता है, सो z की वैल्यू हो जाएगी -2. ये माइनस का साइन मत भूलना, ठीक है. 6 2 12 बट विद अ नेगेटिव साइन. ओके, ये बताओ, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द एक्सप्रेशन y माइनस 15 एंड 2y प्लस 1 बिकम इक्वल, ठीक है. तो y की ऐसी वैल्यू क्या होगी कि ये दोनों एक्सप्रेशन इक्वल हो जाए, मतलब इक्वल कब होंगे, जब इक्वेशन फॉर्म हो रही है ना. y माइनस 15 इज इक्वल टू 2y प्लस 1, ठीक है. अब y की ऐसी क्या वैल्यू डालूं कि ये दोनों इक्वल हो जाए. सो इन दिस केस वी हैव टू सॉल्व द इक्वेशन. y माइनस 15 इज इक्वल टू 2y + 1, ठीक है. ये y इधर चले जाएगा और 1 को मैं इधर ले आती हूँ, ठीक है. तो ओके, ये माइनस 15 तो यहीं पे है, ठीक है. अब ये प्लस 1 था, इधर जाके इक्वल टू के उस साइड जाके माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है. ये 2y ऑलरेडी यहीं पे है, ये यहाँ पे प्लस y था, तो इधर जाके माइनस y हो जाएगा, ठीक है. सो दिस इज माइनस 16 विच इज इक्वल टू y. 2y माइनस y इज y,
तो वाई की वैल्यू आ रही है -16। अब आप यहाँ पे डाल के देखो -16, और दोनों तरफ -16 डाल के देखोगे एंड यू विल सी कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड और नॉट। क्लियर? ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। सम ऑफ टू नंबर्स इज 81। अब आपके पास आ गए थोड़े से स्टेटमेंट सम्स। तो स्टेटमेंट सम में क्या होगा, आप स्टेटमेंट पढ़ोगे, उसमें से इक्वेशन फॉर्म करोगे एंड देन यू विल सॉल्व द इक्वेशंस। सो मोस्ट प्रोबेबली लॉन्ग आंसर टाइप में आपको स्टेटमेंट सम्स ही आएंगे, ठीक है, इस चैप्टर में से। सो आपको स्टेटमेंट में से इक्वेशन बनानी अच्छे से आनी चाहिए। ओके, सो वील रीड द सेंटेंसेस स्टेप बाय स्टेप एंड वील फॉर्म द इक्वेशंस। चलो अब तक तो आपका आंसर आ जाना चाहिए। सम ऑफ टू नंबर्स इज 81, वन इज ट्वाइस द अदर, इफ द स्मॉलर नंबर इज एक्स द अदर नंबर इज। तो अब स्टेटमेंट सम से तो आंसर भी स्टेटमेंट फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। सो इफ स्मॉलर नंबर इज इक्वल टू एक्स, तो जो लार्जर नंबर है या ग्रेटर नंबर है वो कितना है, इट इज ट्वाइस द स्मॉलर नंबर, मतलब 2x, एंड उनका सम 81 है। सो छोटा नंबर x प्लस बड़ा नंबर 2x, इन दोनों को ऐड करके आंसर आ रहा है 81। सो x प्लस 2x इज 3x विच इज इक्वल टू 81। अब यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई हो रहा था तो इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, x की वैल्यू है 81 डिवाइडेड बाय 3। सो 3 2 6 एंड 3 7 21। सो स्मॉलर नंबर जो मैंने अज्यूम किया था x, उसकी वैल्यू है 27, तो जो बड़ा नंबर है वो कितना होगा, 27 into 2 विच इज इक्वल टू 54। एंड इनको जब आप ऐड करोगे, राइट, दिस इज 11 5 6 7 8, तो आंसर जो है वो 81 ही आ रहा है। देयरफॉर मेरा आंसर बिल्कुल ठीक है, छोटा नंबर और बड़ा नंबर, एक है 27 एक है 54 एंड देयर सम इज इक्वल टू 81। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन। सो ऐसे आपको क्वेश्चन आ सकते हैं, कुछ भी गिवन हो सकते हैं, ट्वाइस गिवन हो सकते हैं, थ्राइस गिवन होता है, जस्ट गो स्टेप बाय स्टेप एंड सॉल्व द क्वेश्चन। ओके, अगेन सॉल्व फॉर द वैल्यू ऑफ एक्स। सो ये जो पूरा है इसका आंसर जीरो आ रहा है। सो लेट्स सी, एक्स माइनस 2 प्लस एक्स माइनस 3 प्लस एक्स माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो सारी जो एक्स वाली टर्म्स है उनको इकट्ठा कर लेते हैं, एक्स प्लस एक्स इज 3x। ओके, माइनस 2 माइनस 3, इट दो नेगेटिव साइंस है, ठीक है, तो ये ऐड होंगे, माइनस 5 एंड ऑफकोर्स, अच्छा ठीक है, माइनस 9 भी है। आग नेक्स्ट स्टेप में कर लेते हैं, 3x इज इक्वल टू माइनस 14 विच इज इक्वल टू 0। अब यहाँ माइनस 14 है तो इधर जाके ऐड हो जाएगा, ठीक है, दिस विल गेट एडेड, सो 3x इज इक्वल टू 14। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है गाइज, दिस इज 14/3। तो x की वैल्यू अगर 14/3 होगी तो उससे क्या होगा, ये जो पूरी लेफ्ट हैंड साइड है इट विल बी इक्वल टू माई राइट हैंड साइड, ठीक है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। ओके, 7 टाइम्स अ नंबर इज 12 लेस देन 13 टाइम्स द सेम नंबर, सो यू हैव टू फाइंड द नंबर। सो लेट्स अज्यूम, लेट द नंबर बी x, लेट द नंबर बी x। अब 7 टाइम्स अ नंबर, 7 टाइम्स मतलब 7x इज 12 लेस देन इज इक्वल टू 12 लेस देन 13 टाइम्स द सेम नंबर। 13 टाइम्स द सेम नंबर जो है उससे 12 कम है, ठीक है, दिस इज 12 लेस देन 13 टाइम्स द सेम नंबर। ओके, सो अब ये मेरी इक्वेशन बन गया, वी आर गोइंग टू सॉल्व इट। सो दिस इज 13x, ये प्लस 7 था, 7x था तो उधर जाके माइनस 7x हो गया, ठीक है, एंड ये माइनस 12 था तो आई कैन ब्रिंग इट हेयर एंड दिस विल बिकम प्लस 12, ठीक है, तो ये हो जाएगा 6x इज इक्वल टू 2। तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 12 डिवाइडेड बाय 6, सो x इज इक्वल टू 2। तो वो जो नंबर है वो कितना है, इट इज इक्वल टू 2। सो लेट सी, 7 टाइम्स 2 मतलब 7 2 14, ठीक है, इज इक्वल टू 13 टाइम्स द सेम नंबर, मतलब 13 2 कितना होता है, 26 माइनस 12, तो 26 माइनस 12 भी 14 ही होता है। देयरफॉर ये बिल्कुल ठीक है एंड x की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 2 आनी चाहिए, राइट। आई होप इट्स क्लियर टू एवरी वन। सो बेसिकली दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व इट।
ट्रांसपोज मेथड यूज करेंगे इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए एंड स्टेप बाय स्टेप वी आर गोइंग टू रीड द क्वेश्चन एंड फॉर्म द इक्वेशन फ्रॉम द स्टेटमेंट सम्स राइट. ओके सॉल्व द फॉलोइंग. अब इसमें क्या है ब्रैकेट में नंबर गिवन है तो मैं डायरेक्टली कुछ नहीं कर सकती, पहले आई हैव टू ओपन द ब्रैकेट्स. ठीक है ओपन द ब्रैकेट्स एंड देन वी विल सॉल्व द क्वेश्चन. सो दिस इज 2 इंटू एक्स प्लस 2 तो ये कितना हुआ 2x प्लस 4. दिस इज 5x प्लस 25 और राइट हैंड साइड पे क्या है 4x माइनस 32 प्लस 2x माइनस 4 राइट. दिस इज हाउ यू ओपन द ब्रैकेट्स. अब x वाली वैल्यूज इकट्ठी कर लेते हैं 5 6 7 सो दिस इज 7x प्लस 29 एंड ऑन दिस साइड वी हैव 5x माइनस 36. ठीक है 4x प्लस 2x इज 6x माई बैड. ठीक है 6x एंड माइनस 32 एंड माइनस 4 माइनस 4 तो दो नेगेटिव साइंस है तो ये ऐड हो जाएगा. दिस इज माइनस 36 तो ये उधर जाके माइनस होगा. 7x माइनस 6x इज इक्वल टू x एंड माइनस 36 इसी साइड है ये प्लस 29 है तो उधर जाके माइनस हो जाएगा माइनस 29. तो x की वैल्यू जो है वो नेगेटिव आएगी दैट इज 36 प्लस 29 बट विद अ नेगेटिव साइन विच इज इक्वल टू 65. सो सॉल्व दिस एंड सी अगर तुम्हारा आंसर भी 65 आ रहा है कि नहीं. ठीक है डू टेल मी द कॉमेंट सेक्शन इफ योर आंसर्स आर मैचिंग एंड ऑल्सो इफ यू हैव एनी डाउट्स आई एम ओपन टू ऑल योर क्वेरीज. ठीक है जस्ट टेल मी इन एडवांस सो दैट मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके डाउट्स को क्लियर कर सकूँ. सो बेसिकली दिस योर वन शॉट रिविजन फॉर सिंपल इक्वेशंस. ठीक है अगर आपको एग्जाम से एक दिन पहले ये वीडियो देख रहे हो ठीक है तो जस्ट सीइंग दिस वीडियो इज गोइंग टू सॉल्व ऑल योर डाउट्स एंड क्वेरीज. ओके चलो अगेन सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन दिस इज गोइंग टू बी योर होमवर्क. ये आपका होमवर्क है. कॉमेंट सेक्शन में मुझे आंसर चाहिए इसका. ठीक है देखते हैं कौन पूरी वीडियो देख रहा है और कौन होमवर्क कर रहा है. ठीक है नेक्स्ट सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन. लेट्स ओपन द ब्रैकेट्स. 3 2s are 6 सो दिस इज 6x एंड 3 3s are 9 माइनस 9. ठीक है 4 2s are 8x एंड 4 4s are कितना होता है 16 राइट. सो यही होता है ना ये 3 इस नंबर से भी मल्टीप्लाई हो रहा है और इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है. ओके सो दिस गेट्स ये इधर जाके माइनस हो जाएगा ये इधर जाके माइनस हो जाएगा. ठीक है सो माइनस 9 दिस वॉज प्लस 16 तो माइनस 16. दिस इज 8x ये प्लस 6x था तो उधर जाके माइनस हो जाएगा माइनस 6x. सो बेसिकली आई एम ट्राइंग टू कीप x पॉजिटिव. ओके राइट सो दिस बिकम्स 16 प्लस 9 करना पड़ेगा हम लोगों को क्योंकि दो नेगेटिव साइंस हैं तो दिस इज माइनस 25. दिस इज 2x तो x की वैल्यू कितनी होगी गाइज माइनस 25. ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2. सो जब आप इस इक्वेशन में x की वैल्यू माइनस 25 अपॉन 2 पुट करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड विल बिकम इक्वल टू राइट हैंड साइड एंड डू ट्राई इट एंड डू टेल मी कि ये ट्रू है कि नहीं है. ठीक है कि दोनों साइड सेम आंसर आता है या नहीं आता एंड डोंट फॉरगेट टू सॉल्व द होमवर्क क्वेश्चन. ओके ओके दिस इज अ वेरी टिपिकल क्वेश्चन. माइट यू माइट गेट इट इन योर एग्जाम्स ऑल्सो. द एज ऑफ मदन लाल इज 5 टाइम्स दैट द एज ऑफ हिज सन अमित. ओके 5 टाइम्स द एज. ओके द एज ऑफ हिज सन अमित इफ द डिफरेंस बिटवीन द एजेस इज 28 ईयर्स फाइंड द एज ऑफ अमित. ठीक है लेट अब जो मुझे फाइंड आउट करना होता है ना उसको मैं यूजली एक्स अज्यूम कर लेती हूँ. लेट अमित्स एज बी एक्स. ठीक है एंड मदन लाल की एज कितनी होगी. मदन लाल की एज कितनी है अपने बेटे की एज से 5 टाइम्स दैट इज 5x. ओके इफ द डिफरेंस ऑफ देयर एज इज 28 ईयर्स सो मदन लाल और उसके बच्चे में कितने साल का डिफरेंस है 28 ईयर्स का है तो मदन लाल की एज माइनस अमित की एज इज इक्वल टू 28. सो एक्चुअल में अमित की एज कितनी हुई 5x माइनस x इज इक्वल टू 4x विच इज इक्वल टू 28. तो x की वैल्यू कितनी होगी 4 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा 28 डिवाइडेड बाय 4 एंड आंसर इज 7. 4 7 से 28 होता है ना तो x क्या था अमित की एज एंड उसकी एज है कितनी 7 ईयर्स. सॉरी सो दिस इज अमित्स एक्चुअल एज और मदन लाल की एज कितनी होगी 5 टाइम्स ऑफ अमित्स एज दैट इज 5 इंटू 7 विच इज इक्वल टू 35 ईयर्स राइट. लाइक दिस यू आर गोइंग टू फॉर्म द इक्वेशंस एंड सॉल्व द क्वेश्चंस.
ओके लास्ट वन लास्ट क्वेश्चन. इफ 9 इज एडेड टू 4 टाइम्स अ नंबर इट बिकम्स द सेम एज व्हेन 8 इज सबट्रैक्टेड फ्रॉम 5 टाइम्स द सेम नंबर. सो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होते जा रहे हैं. फाइंड द नंबर. सो सबसे पहले लेट द नंबर बी एक्स. ठीक है, अब क्या बोला है, इफ 9 इज एडेड टू 4 टाइम्स अ नंबर. 4 टाइम्स अ नंबर मतलब 4x. उसमें अगर मैं 9 ऐड करती हूँ इट बिकम्स द सेम एज व्हेन 8 इज सब्ट्रैक्टेड. सेम एज मतलब इट बिकम्स इक्वल टू व्हेन 8 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 5 टाइम्स द सेम नंबर 5x माइनस 8. राइट, सो नाउ वी कैन इजिली सॉल्व इट. ये बन जाएगा x. ठीक है, इधर जाके दिस बिकम्स 5x माइनस 4x विच इज इक्वल टू x, और ये इधर जाके ऐड हो रहा है तो 9 प्लस 8. ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 17. तो x की वैल्यू है 17. सो लेट्स पुट इट इन द इक्वेशन एंड चेक. 4 इंटू 17 प्लस 9 मतलब मेरी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर देखते हैं क्या आएगा एंड विल इट बी इक्वल टू माई राइट हैंड साइड और नॉट. ओके, 17 इंटू 4 68 प्लस 9. ठीक है, सो आंसर कितना आएगा, दिस विल बी इक्वल टू 77. अब राइट हैंड साइड पे चेक कर लेते हैं. राइट हैंड साइड पे क्या है, 5 इंटू एक्स विच इज 17 माइनस 8. ठीक है, सो 17 इंटू 5 इज गोइंग टू गिव मी 85 माइनस 8 इज इक्वल टू अगेन 77. तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड एंड ये इक्वेशन तभी ट्रू होगा जब x की वैल्यू होगी 17. कोई और वैल्यू x की पुट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड विल नॉट बी इक्वल टू माई राइट हैंड साइड. ओके, क्लियर टू एवरी वन. सो सॉल्व, ट्राई टू सॉल्व एज मेनी क्वेश्चन एज यू कैन ऑफ सिंपल इक्वेशंस. राइट, जस्ट गिव मी अ सेकेंड. ओके, ठीक है, प्रैक्टिस करो. प्रैक्टिस करने से सारे आपके जो डाउट्स हैं, जो अगर आपको थोड़ा स्लो हो आप इक्वेशंस फॉर्म करने में, एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड आउट. एंड डोंट फॉरगेट टू डू योर एनसीईआरटी बुक बिफोर योर एग्जाम. ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम सिलेबस उसमें से आ जाता है. ओके, देन आई हैव सम वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फॉर यू. फॉर एग्जाम्पल द अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन, जिसके बारे में क्लास के स्टार्टिंग में बात हुई थी. सो इट हैज़ अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स. एज आई सेड, यू कैन लर्न लाइव फ्रॉम द कम्फर्ट ऑफ योर होम. घर बैठे बैठे पढ़ सकते हो, इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है. ठीक है, ट्यूशन्स पे ऑनलाइन पढ़ सकते हो. टॉप एजुकेटर्स ऑफ यू नो सच अ बिग कंपनी के बेस्ट एजुकेटर्स आर गोइंग टू बी टीचिंग यू. यू ऑल्सो हैव अ चॉइस ऑफ एजुकेटर. मैथ्स के लिए बहुत सारे एजुकेटर्स हैं, साइंस के लिए बहुत सारे एजुकेटर्स, तो आप चूज कर सकते हो किससे पढ़ना है. अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल द कोर्सेज. बैच कोर्सेज हैं, सारा सिलेबस कवर किया जाएगा. नोट्स दिए जाएंगे ऑफ ऑल द चैप्टर्स ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स अलॉन्ग विद एक्स्ट्रा क्वेश्चंस. प्रैक्टिस टेस्ट होंगे. ठीक है, रेगुलर डाउट सॉल्विंग सेशंस होंगे. सो बेसिकली आप अपनी जो प्रेपरेशन है एग्जाम्स की, एकदम टॉप क्लास प्रेपरेशन कर सकते हैं. एंड प्राइसिंग की बात करें तो प्राइजेस तो बहुत ही कम है. ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट पैकेजेस हैं, 3 मंथ्स, 6 मंथ्स, 12 मंथ्स, 15 मंथ्स. ठीक है, अगर आप बल्क पैकेज लेते हो, ज़्यादा पैकेज लेते हो, तो आपको ज़्यादा सस्ता पड़ेगा. ठीक है, क्योंकि आप 12 मंथ्स और मोर की सब्सक्रिप्शन में पर मंथ पे भी कर सकते हो, पर मंथ भी पे कर सकते हैं. ठीक है, सो जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ यू टेकिंग अ सब्सक्रिप्शन ऑफ 15 मंथ्स, यू ओनली हैव टू पे ₹1200 पर मंथ एंड इसके अंदर आपके सारे सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड हैं. ऑल्सो इफ यू वॉन्ट गेट फ्लैट 10% ऑफ, यूज द कोड SPGSS10. SPGSS10 इसको भूलना नहीं है. ठीक है, इफ यू वॉन्ट टेक सब्सक्रिप्शन फॉर क्लासेस 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, डजेंट मैटर. ठीक है, ऑलवेज यूज द कोड SPGSS10. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट द अनअकैडमी लर्निंग ऐप. ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड, आइकॉनिक की बात करें तो आइकॉनिक के भी बहुत सारे बेनिफिट्स और बहुत कम कॉस्ट है. फॉर एग्जाम्पल यू गेट पर्सनल मेंटर. प्लस के सारे बेनिफिट्स के साथ साथ आपको एक पर्सनल मेंटर भी मिलेगा, एक टीचर, एक स्टूडेंट. ठीक है, एंड ऑल द फोकस विल बी ऑन द स्टूडेंट इंडिविजुअली. आपके इंडिविजुअल लाइव डाउट सॉल्यूशंस किए जाएंगे. ठीक है, स्टडी प्लानर मिलेगा, टाइम टेबल मिलेगा. बेसिकली यू गेट अ पर्सनल मेंटर कि किस तरह यू कैन एस योर एग्जामिनेशन, किस तरह आप टॉप कर सकते हो. इसके प्राइजेस हल्के से प्लस से ज़्यादा हैं, बट देन अगेन पर मंथ कॉस्ट इज वेरी लेस. ठीक है, यू कैन गो टू द अनअकैडमी लर्निंग ऐप, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ऐप डाउनलोड कर लो एंड वहाँ पे यू विल गेट ऑल द इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्राइजेस. राइट, जैसे अगर आप 18 मंथ्स का लेते हो और पर मंथ पे करना चाहते हो तो पर मंथ सिर्फ ₹1944 देने पड़ेंगे. सो इट्स नॉट अ बर्डन ऑन योर पेरेंट्स ऑल्सो. एंड देन ऑल्सो यू गेट 10% ऑफ इफ यू यूज द कोड SPGSS10. ठीक है,
एंड ऑफ कोर्स सारे सब्जेक्ट्स इतने कम कॉस्ट में कवर हो जाएंगे. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. आई होप यू गॉट द लेसन. डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर वीडियोस एंड लेट्स क्रैक इट विद अन अकेडमी. थैंक यू सो मच. सी यू सून.